हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 10 जो कि भौतिक विज्ञान का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी प्रकाश के गुणों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं, नियमित और अनियमित परावर्तन क्या है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, अगर दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है तथा समतल दर्पण के विभिन्न उपयोग, इसके बारे में आज हम डिटेल जानकारी लेंगे या जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी संवेदना के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काज सेंसेशन ऑफ लुकिंग आर सीइंग, देखने के लिए जो संवेदना होती है। तो वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती हैं? जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती है तो वहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ती हैं और इसके बाद हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश के गुण क्या क्या हैं? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि की घटना को दर्शाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की आवृत्ति वह उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि जो चेंज नहीं होती है। प्रकाश जब किसी अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ता है तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा बचे हुए भाग परावर्तित हो जाते हैं, कुछ भाग अपवर्तित भी होता है। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, एक है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं मीन्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब इत्यादि। और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि अगर चमकती भी हैं तो वह दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा, ये अदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं है बल्कि वह परावर्तित प्रकाश को दर्शाता है, तो इसलिए चंद्रमा जो है अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आता है। प्रकाश किरणों के चलने के आधार पर प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार चला जाए, जैसे कांच, पानी, वायु, ये वस्तुएं जो हैं पारदर्शी होती हैं, अर्थात प्रकाश की किरण उस पार से उस पार चली जाए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब में आप देख रहे हैं कि उधर की लिखी हुई चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से प्रकाश पूरी तरह से पारगमित हो जा रहा है, तो यह पारदर्शी माध्यम होगा। पारभासी माध्यम, पारभासी माध्यम से तात्पर्य है कि वे वस्तुएँ जिनमें प्रकाश आंशिक रूप से पार हो पाता है, जैसे तेल, कागज, या तेल लगा हुआ कागज, पतली प्लास्टिक यानी पॉलीथीन, यह जो है पारभासी माध्यम होते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम होते हैं, इनमें प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है। अपारदर्शी माध्यम, तो अपारदर्शी माध्यम वे वस्तुएं जो प्रकाश को जाने से पूर्ण रूप से रोक देती हैं, प्रकाश को जाने से पूर्ण रूप से रोक देती हैं।
तो जैसे अगर हम ये देखें, यह वस्तु जो है, यह वस्तु प्रकाश को जाने से पूर्ण तरह से रोक देती है, तो इसका मतलब हो गया कि यह अपारदर्शी है। जैसे लकड़ी, दीवार, किताब, ये सब चीज़ें जो है प्रकाश को एक इस पार से उस पार जाने के लिए रोक देते हैं, तो यह अपारदर्शी माध्यम होता है। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाइए या बताइए जिसमें कि हम इन तीनों को दिखा सकें, तो पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। जैसे हमने एक गिलास पानी ले लिया, गिलास वह कांच की गिलास है, उसमें जो है चाक के टुकड़े को जो है घोल दिया, उसका पाउडर बना करके उसको घोल दिया। घोलने के बाद उसको अगर हम कुछ देर तक रख देते हैं तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि उसका कुछ हिस्सा वह जो है ऊपर एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बीच में कुछ कलर जो है दुधिया रंग का हो जाता है, और नीचे उसके बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह से ऊपर का पारदर्शी हो गया, बीच वाला पारभासी हो गया, और नीचे वाला हिस्सा इसका अपारदर्शी माध्यम हो जाता है। प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट रेज, एक दिशा में जाने वाली किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यह प्रकाश किरण पुंज तीन तरह से दर्शाई जाती हैं। एक है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में जो किरणें होती हैं, यह किरणें एक ही दिशा में चल रही होती हैं और दो रेंज के बीच में एक निश्चित दूरी होगी, यानी हम ये कहेंगे कि यह प्रकाश की किरण समानांतर किरण पुंज है। इसी तरह से अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम, सभी प्रकाश की रेज एक बिंदु की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। तो एक बिंदु की ओर जब जा रही होती है, उन्हें कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं, तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक इसी तरह से अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से फैलती हुई, जैसा कि अगर एक प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश की किरणें यहां से फैल रही हैं, तो यह डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हुआ। तो इस तरह से समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ये तीन तरह की होती हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां पर अगर इस फिगर में देखें तो यह जो है एक चमकदार सतह है, इस पर रेज AO पड़ रही हैं, ON इसका अभिलंब है बिंदु O पर, और OB यह परावर्तित किरण है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि N यानी जो अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं, और जहां पर किरणें आपतित हुई थी उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से इस फिगर में हम देख रहे हैं कि AO आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है, NO अभिलंब है, I आपतन कोण है, R परावर्तन कोण और O आपतन बिंदु है। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस फिगर से अगर हम देखें तो AON आपतन कोण है और NOB परावर्तन कोण है, यह दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी I equals to R, तो एंगल I equals to एंगल R। दूसरा नियम है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु मीन्स O पर, तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि आपतित किरण AO, अभिलंब NO तथा परावर्तित किरण BO, पॉइंट O पर सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं।
अब इन नियमों के आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा परावर्तन नियमित है और कौन सा अनियमित है, यानी रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यदि आपतित किरण पुंज समानांतर पड़े तथा परावर्तित किरण पुंज भी एक दूसरे के समानांतर हो तो नियमित परावर्तन कहा जाता है, अन्यथा अनियमित परावर्तन होगा। जैसा कि पहले फिगर में आप देख रहे हैं जो कि चिकनी सतह से और समतल से हो रहा है, यहाँ पर आपतित किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं और परावर्तन के बाद यह इस दिशा में गए तो परावर्तन के पश्चात भी यह किरणें आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं। तब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पर जो परावर्तन हो रहा है यह परावर्तन रेगुलर है, यानी नियमित परावर्तन है। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि यह रफ खुरदरा है, जो तल है वह समतल नहीं है। तो आपतित किरणें तो एक दूसरे के समानांतर हैं लेकिन परावर्तन के पश्चात इनकी दिशाएं अलग अलग हैं, अर्थात यह जो परावर्तित किरणें हैं यह एक दूसरे के समानांतर नहीं है, अतः यह जो परावर्तन है यह नियमित परावर्तन नहीं है बल्कि अनियमित है, यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता क्या है? जैसा कि आप जब किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने को उस मिरर के अंदर पाते हैं, तो आप मिरर के अंदर जो देख रहे हैं वह क्या है? प्रतिबिंब है। तो यह प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं या काटती हैं एक दूसरे को, तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अन्यथा वास्तविक नहीं होगा वह आभासी होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज। जैसा कि जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि हम मैच देख रहे हैं, तो इस मैच में हम जो ये देख रहे हैं यहाँ पर यह जो इमेज है यह रियल इमेज है। जैसा कि यहाँ पर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए बच्चों को अगर आप देखें तो आप इनका जो इमेज देख रहे हैं यह भी क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। आभासी प्रतिबिंब, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं या काटती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि एक फोटो इसमें मैंने खींचा है, देखिए यह एक बुक में दिया गया है, एक लिखा गया है आंट मैन, इसमें यह अपना बायां हाथ जो है ये अपना बायां हाथ उठाया है, इसका प्रतिबिंब ये समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में बना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि समतल दर्पण में जो बना है इसका इमेज यह वर्चुअल इमेज है, यह जो है आभासी प्रतिबिंब है, इसे हम स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं, तो यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो इसे आप ये देखेंगे कि जब ये एक समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण पर यह एक वस्तु रखी गई है AB, AB से प्रतिबिंब इसका बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के जो रूल्स हैं इसमें क्या है, हम B से एक किरण को ले जाते हैं तो B से जो किरण को ले जाते हैं यह किरण यहाँ पर परावर्तन के पश्चात लौट जाएगी, जब लौट जाएगी तो हम इसे पीछे की तरफ जो है ये डाट 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 हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक उसी तरह से इसके बेस लाइन से भी एक ले आते हैं, बेस लाइन A से, तो यह भी जो है यहाँ से परावर्तित हो करके और लौट जाती है, इसको फिर हम आगे की तरफ ये बढ़ा देते हैं। अब एक किरण को हम B से यहाँ पे गिराते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो नॉर्मल होगा इस नॉर्मल के साथ आई कोण पर है,
तो उतने ही कोण पर यह परावर्तित हो जाएगा। जब उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगा तो इसको जो है हम पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ जो है ये बढ़ा देते हैं। तो जब पीछे की तरफ बढ़ा दिया तो आप ये देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश इसका ए बी का जो प्रतिबिंब है वह बन गया। अब इसमें हम जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी? समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उनकी कुछ विशेषताएं इस तरह से हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु के आकार का बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे रखा गया होता है। प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व उत्क्रमण होता है, यानी उनके पार्श्व बदल जाते हैं। प्रतिबिंब तथा वस्तु दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। यहां पर बताया गया कि अगर यहां से इसकी जो दूरी है एक्स अगर है तो एक्स दूरी पर ही यह पीछे की तरफ बनेगा, इसका जो आकार है उतने ही आकार का ये बनेगा। यह इसका जो प्रतिबिंब है वह सीधा बनता है, लेकिन यह दर्पण के पीछे बन रहा है। अब यहां पर कहा गया कि अगर ए बी जो है दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो ए डैश बी डैश भी दर्पण की तरफ भी चाल से चलेगा। तो ये समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में है। अब अगर दो समतल दर्पण को एक दूसरे से थीटा कोण पे झुका करके रख दिया जाए तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब कितना बनेगा, यानी उन प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों और उनके बीच कोई वस्तु रखी हो तो बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 अपान थीटा माइनस 1 या 360 अपान थीटा होगी। किंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु दोनों दर्पण के बीच सममित या असममित स्थिति में रखी गई है। सममित से क्या तात्पर्य है? सममित या सिमिट्री या सिमिट्रिकल से तात्पर्य है कि दोनों दर्पणों के मध्य जो एंगल बाइसेक्टर होगा उस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर अगर रखा गया है तो सममित होगा, और अगर उस लाइन के किसी एक मिरर की तरफ रखा गया है तो वह असममित होगा। तो इस तरह से दो दर्पण के बीच जो है यह निम्न स्थितियों के हिसाब से प्रतिबिंब बनता है। जैसे अगर 360 अपान थीटा का मान सम संख्या आता है, वस्तु सममित या असममित हो दोनों में प्रतिबिंब होते हैं 360 अपान थीटा माइनस 1। लेकिन अगर यह विषम संख्या आती है तो जब सममित होगा तो माइनस वन और असममित होगा तो 360 अपान थीटा आता है। सपोज कर लीजिए कि एंगल ऐसा दिया गया है कि 360 अपान थीटा का मान भिन्न में आता है और वस्तु की स्थिति सममित है तो भिन्न का पूर्णांक होगा, मींस अगर डिवाइड करने पर सपोज कर लीजिए 4.8 आता है तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या 4 होगी, यानी जो दशमलव के पहले है उतने ही इमेज उस पर बनेंगे। लेकिन अगर असममित हो तब भी उतना ही बनता है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 डिग्री, अर्थात जब दो दर्पण समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे गए हों तो उनके बीच अगर कोई भी वस्तु रखी गई हो तो वह उनके जो प्रतिबिंब हैं वह अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जैसा कि आप ये सैलून में देखे होंगे, पार्लर में देखे होंगे कि आगे पीछे दोनों तरफ जो है समतल दर्पण लगा होता है, उसमें जब आप देखते हैं तो दूर तक जो है प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई देते हैं, यानी उनमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ये देखिए दो प्लेन मिरर रखे गए हैं, इस प्लेन मिरर के बीच में ये देखिए एक ऑब्जेक्ट मैं यहां पर ही रख रहा हूं, देखिए, और यह सिमेट्री पर रखा गया है। अब इस सिमेट्री पर रखा गया है तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो इमेज है वह इमेज कितने बन रहे हैं, आप देखिए ये इमेज जो है कितने बन रहे हैं,
कितना बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो 360/90 तो चार बनेगा, चार माइनस एक, तो तीन इमेज आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके कोण को अगर हम बदल देते हैं, जैसे देखिए अगर इसके कोण के मान को अगर हम बदलते जाएं, तो आप ये देखिए कि जो है जो इमेज की संख्या है वह बढ़ने लगती है। तो इसका झुकाव इस बात पर ये देखिए निर्भर करता है। अब इस तरह से इमेज कितने बन रहे हैं आप इसको खुद देख सकते हैं। ये देख रहे होंगे कि दो मिरर एक दूसरे के समानांतर रखा गया है और इसके बीच में एक वस्तु रखी गई है। तो इसके जो है ये दूर तक आप देख रहे होंगे कि ये अनंत प्रतिबिंबीय बन रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा इस तरह से ये दूर तक जो है अनंत प्रतिबिंब इसमें बन रहे हैं। पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण में क्या होता है, साइड चेंज हो जाती है। जैसे कि आप देखिए पी लिखा है तो पी का ये जो लोब्स है ये राइट साइड है, लेकिन इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि उसके लेफ्ट हो गया। बी का ये उभरा हुआ पोर्शन राइट साइड है लेकिन इमेज में लेफ्ट हो गया। सी का मुंह किधर खुला है, राइट साइड खुला है लेकिन इमेज में लेफ्ट खुला है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये लिखा है एम्बुलेंस, उल्टा लिखा है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा है। जैसा कि आप देखते होंगे कि वाहन वाले रोगियों पर एम्बुलेंस ऐसे लिखा रहता है। तो इसका जो इमेज होता है, इमेज फिर आप कैसा देख रहे हैं, इमेज जो बन रहा है उसमें सीधा बन रहा है। ठीक इसी तरह से अब ये आपके लिए है, अब आप इसको देख करके बताइए कि क्या लिखा है, ये देख करके आप बताइए क्या लिखा है। तो अगर आप इसको जो है मिरर में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए लिखा गया है बिग थिंकिंग प्रिसीड्स बिग अचीवमेंट, बिग थिंकिंग प्रिसीड्स बिग अचीवमेंट। तो इस तरह से आप जो है पार्श्व उत्क्रमण की घटना को देख पाते हैं। तो ये पार्श्व उत्क्रमण आपने फिगर में जैसा देखा कि समतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का और सीधा बनता है, किंतु वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग या वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है, यानी उनके पार्श्व बदल जाते हैं। तो पार्श्व बदलने की इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे रोगियों को ले जाने वाले वाहन एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा होता है, तो यह उल्टा क्यों लिखा होता है, उल्टा इसलिए लिखा होता है कि जब जो है यह सामने वाले दर्पण में जब पड़ता है तो इसका जो प्रतिबिंब है वह सीधा बन करके आता है, तो एम्बुलेंस लिखा हुआ। जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि जो आंट मैन है इसमें इसका यह लेफ्ट हैंड है, लेकिन मिरर में जो प्लेन मिरर है इस प्लेन मिरर में आप देख रहे हैं कि इसका राइट हैंड है, तो लेफ्ट जो है राइट में कन्वर्ट हुआ, चेंज हुआ। तो इस तरह से यह पार्श्व उत्क्रमण की घटना हो जाती है। जैसे ये एम्बुलेंस, एम्बुलेंस लिखा गया है ये उल्टा। अब जैसे यहां पर आप इसको खुद पढ़िएगा, मोबाइल को आप जो है मिरर के सामने इस तरह से रखिए, अब आप ही बताइए पढ़कर कि क्या है। ये लिखा गया है थिंक बिग टू डू बेटर। समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के क्या उपयोग है, कुछ मुख्य उपयोग इस तरह से हैं कि समतल दर्पण का उपयोग हम अपना चेहरा देखने के लिए ड्रेसिंग रूम बाथरूम आदि में प्रयोग करते हैं। ज्वेलरी की दुकानों में दीवारों पर लगाए जाते हैं जिससे मल्टी रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है दुकान जो है दुकान का आकार बड़ा दिखाई देता है। पहाड़ी सड़कों के अंधे मोड़ जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं उन पर लगाए जाते हैं ताकि दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों को चालक देख सके और दुर्घटना से बचा जा सके। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। पेरिस्कोप में जो है आप जैसे आपके सामने कोई बड़ी सी दीवार है, दीवार के उस पार क्या हो रहा है आप कैसे जानेंगे, तो यह पेरिस्कोप की सहायता से हम जो है देख सकते हैं, और इस पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।